For every lock, there is someone trying to pick in or break it. Hello and welcome to IMAC Present, 3 Question, 3 Answer Round. I am your host, Sir Simran, and today's topic is cybercrime. And we have Shweta Gautam, a senior cybercrime officer with us. Thank you so much, Sir Simran, for inviting me in your show. So Shweta, tell us ki cybercrime basically hai kya? Matlab jaise dekha jata hai ki hamare jo elders hain, hamare youngers hain, wo na chahte hue bhi kahin na kahin cybercrime mein phans jate hain. So aap bataiye ki cybercrime basically hai kya cheez? Harsimran, thank you so much. And when it comes to the cybercrime, the first word which comes in our mind that cybercrime is basically directly related to the computer systems. And aajkal ye itna zyada badh chuka hai ki as a helping hand hone ke bawajood bhi hum isko negative way mein bahut zyada use kar rahe hain. To jaise banks ke messages aate hain ki aapke bank mein itna amount credit ho gaya hai ya debit ho gaya hai, to kya wo bhi cybercrime mein hi aata hai? Yes, of course. Hacking, blackmailing, fake calls, fake messages all comes in the cyber crime, because हमें वो चीज़ fake करके बताई जा रही है. Like हमें black bank से calls आते हैं, messages आते हैं कि आपका account जो है वो हम आपका account safe रखने के लिए हमें आपके account number वगैरह चाहिए. लेकिन हम वो चीज़ share करते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल गलत है. हम इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए. और ना ही सिर्फ bank, हम फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे आप देख ही सकते हैं कि फेक मैसेजेस आते हैं, ग्रुप्स बनते हैं. दिस इज़ ऑल द साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम के पीछे मतलब इतना कुछ होता है, तो उसकी कुछ पनिशमेंट्स भी हैं या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उनको? नहीं, पनिशमेंट है, लेकिन उनको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता है. देर आर टू डिपार्टमेंट्स. फर्स्ट इज़ नॉर्मल, अगर वैन इट कम्स टू द नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम, देन देयर इज़ 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड हैवी फाइन चार्ज्ड. And when it comes to the government services or government computer systems, then it is about to 10 years imprisonment and a heavy fine. तो मतलब हमारा गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है. बिल्कुल, गवर्नमेंट भी सेफ नहीं है. तो जैसे आपने पहले बोला कि साइबर जो है हमारा हेल्पिंग हैंड बन चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसी हेल्पिंग हैंड से हमारा साइबर क्राइम जो है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है. जैसे आजकल हम देखते हैं डेटिंग ऐप्स बहुत आ गई हैं और बैंक्स के मैसेजेस बहुत आते हैं जी. तो आप लोगों को कैसे अवेयर करेंगे कि साइट जो है वो एक अच्छे से प्रोटेक्टेड वे में अपना यूज़ करें? हरसिमरन, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक साइबर यूज़ कर रहे हैं, साइबर हमारा हेल्पिंग हैंड है, तो उसको एक हेल्पिंग हैंड की तरह यूज़ किया जाए. हम उसको क्राइम में ना इंडल्ज करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि आर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट साइबर नाउ डेज. साइबर इज़ लाइक नीड, लाइक वाटर, फूड. साइबर इज़ आर नीड, सो वी नीड साइबर. लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन इट अ बैड मैनर, वी शुड नो द राइट मैनर टू यूज़ द साइबर. लाइक हमें अपनी अकाउंट्स पे, कुछ भी हम अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं, एक प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है जो हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए. अपने सीक्रेट कोड्स होते हैं, अपने मैसेजेस होते हैं, अकाउंट नंबर्स होते हैं, उनका हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हमें उनको बिल्कुल लीक नहीं करना चाहिए और किसी की बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. थैंक यू सो मच श्वेता फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस. थैंक यू. एंड आई होप कि आज के एपिसोड के बाद आप लोग जब भी कोई नया साइट बनाए तो उसको प्रॉपर अच्छे से देखभाल करके बनाए, अपना पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस को देख के बनाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस शो. अंटिल नेक्स्ट टाइम.